हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एनके सिंह यार। एचएससी 12 बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ बोर्ड्स के लिए भी तैयार होते रहो भाई, क्योंकि बोर्ड में भी 75% लाना है और अगर सीटी है तो 45 जनरल के लिए, और आपको पता है इतना परसेंट आपको लाना ही होगा, अदरवाइज आप एलिजिबिलिटी ही नहीं पूरी कर पाओगे। तो बोर्ड्स को भी साथ साथ देखते हुए चलते रहो, ठीक है। तो चलो आज हम लोग अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का 5th लेक्चर लेके आ गए। तो हमने इससे पहले 4 लेक्चर कर लिए भाई, ठीक है। अब हम लोग यार 5वां लेक्चर लेके आए, तो यार उम्मीद करता हूँ आप हर एक लेक्चर देख रहे होंगे। जब भी देख रहे हो, आज देख रहे हो, नवंबर में देख रहे हो, जनवरी में देख रहे हो, या फिर बोर्ड के 10 दिन पहले देख रहे हो, तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और आ जाओ आज के हमारे गोल पे चलते हैं। आज हम लोग यार क्या अपना गोल रखने वाले हैं, तो गोल बहुत सिंपल सा होगा, ठीक है। हमारा गोल होने वाला है सम स्पेशल इंटीग्रल। तो आज जो है ना, हम अपने स्पेशल इंटीग्रल का कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, से 1/क्वाड्रेटिक, कभी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ये सब, तो आज ये लास्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद हम कल के जो लेक्चर में है वो बायपार्ट शुरू कर देंगे। आज ये लास्ट फॉर्म होगा, तो आज इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे वाले कर लेते हैं भाई। एग्जाम्पल के जो लेवल है ना, वो एमएसटी सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट सवाल नहीं लेता, क्योंकि वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, पर हाँ ऐसा नहीं कहूंगा कि बुरे हैं, नॉर्मल है, पर मैं जो सवाल करवा रहा हूँ ना वो सीटी के लेवल के हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं, अगर आप वो बन रहे हैं आपसे, तो आप टेक्स्ट बुक के हर एक सवाल को आराम से लगा पाओगे, और जहां कंफ्यूजन आएगी आप बताना, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, अंकित सिंह को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलिए, तो आज हमारा स्पेशल इंटीग्रल में आया गया है भाई एक नया फॉर्म जो होता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो आपको दिख रहा है ऊपर ये px प्लस q, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और नीचे दिख रहा है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते क्या है, इसका रूल क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से है कि हमको कभी ऐसा दे दे 2x प्लस 3, ये ऊपर दे दिया और नीचे दे दिया x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x और माइनस का 4। अब हमको बोल दिया कि बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमको बोलता है हम क्या करते हैं, रेड्यूस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन सच ए वे दैट डिफरेंशिएट d/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस k इज इक्वल टू न्यूमरेटर। तो हमको क्या बोल रहा है भाई, डिनोमिनेटर को डिफरेंस ऐसे करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब t बोल दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, आएगा 2x प्लस का 3, और ये हो जाएगा, ये 2x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू 1। और फाइनली हम पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है, रेड थोड़ा सा हमें दिखता नहीं है, बच्चे बोल रहे थे एक बार, तो थोड़ा ब्लैक कर ले। तो 2x प्लस 3, अब हम बोल देंगे 2x प्लस का 3 dx जो है हमारा बन जाएगा dt, ये dt उधर भेज दिया मैंने। अब आपको दिख रहा है ये 2x प्लस 3 कहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यार और ये dx भी साथ में लिखा हुआ है, तो इस पूरे को मैं बोल सकता हूँ dt। तो मैं जैसे ही, ये आपका सवाल क्या बन गया, ये आपका सवाल बेसिक सा बन गया, ये जो ऊपर लिखा है आप इसको बोल दोगे dt, और नीचे वाले का आपने पूरे को क्या बोल दिया t, तो ये आपका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा बन गया। इसका आंसर क्या होता है, log t, और साथ ही में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पर हमेशा नीचे जो है वैसा ही ऊपर दिखे जरूरी नहीं, हो सकता है कभी कभी अलग दिखे, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे क्या करना है सवाल के साथ। तो अब जैसे ही ना, अब अगर देखो डिनोमिनेटर अगर ऊपर वैसा ही नहीं लिखा जैसा डिनोमिनेटर है, तो आपको भाई ना कुछ ये वाला फॉर्मूला का काम पड़ता है, जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये 1/क्वाड्रेटिक बनता है। तो यार सवालों से बताता हूँ ये आपको, ठीक है, सवालों से बताता हूँ, और नहीं तो मैं आपको अगर अभी यहाँ पे नहीं, सवाल ऐसे ही मैंने बहुत सारे लिए हुए यहाँ पे, क्यों मैं करूँ आपको, मैं सवाल से शुरू करता हूँ, ठीक है। आ जाओ, अब यार बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम एक बहुत अच्छा सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा सीखने मिलेगा। ये देखो, ये लिखा है, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप नीचे वाले को जो है ना ऊपर वाले की तरह बनाने का कोशिश करो। तो देखो ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, अगर मैं इसको t बोलूंगा तो मुझे 2x प्लस का 4 और ये 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बोलना पड़ेगा, ये बात तो आप अग्री करते हो। पर मुझे दिख रहा है ऊपर क्या है, ऊपर है 2x प्लस 3, तो अब मैं यार इसको कैसे बनाऊं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, मैं इसको ऐसे, मुझे क्या चाहिए ऊपर 4 चाहिए, तो मैं ऐसे लिखता हूं 2x प्लस 4 प्लस 3 और ये माइनस 4, तो मैंने क्या किया, एक प्लस 4 कर दिया, एक माइनस 4 कर दिया, तो यार इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, और ये प्लस 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, मैं नीचे एज इट इज पहले लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5। अब यार आपको पता है ये फाइनली कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 4
थ्री माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये आपको अब यार देखो डिनोमिनेटर को आपको सेपरेट कर देना है, एक बार इसके साथ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का फाइव, और एक बार माइनस वन भाई इधर भी इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब यार आप जब इसको टी बोलोगे ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आपका फाइनली कुछ इस प्रकार बनने वाला है। इधर मैं करता हूं भाई, इधर मैं करता हूं, आपका दिख रहा है टू एक्स प्लस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये माइनस वन भी लिख दो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का फाइव प्लस का फाइव। अब यार भाई देखो मैंने कैसे फोर लाया है तो आपको समझ गया ना यहां से। अब यार मैं क्या करूंगा, टू एक्स प्लस फोर को एक साथ लेकर एक जगह पर लेकर एक जगह पर लेकर मैं माइनस वन को अलग, तो दोनों का डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा, तो मेरा बनेगा भाई कुछ इस प्रकार, ये बनेगा टू एक्स प्लस का फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस का फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का फाइव, और यहां बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ये वन आएगा आपका, और भाई ये dx भी लिख दो आप dx, और यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का फाइव ठीक है। अब यार आपको एक चीज बता दू, यहां पे है आपका dx ठीक है। अब यार जैसे ही आपने यहां से इसको नीचे वाले को t बोला था, नीचे वाले को आपने क्या बोला था t, ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका टू एक्स प्लस फोर डी एक्स dt, तो ये आपका फाइनली बन गया, ये आपका फाइनली बन गया dt by t। और यहां देखो, यहां आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां आप डायरेक्ट टी नहीं बोलोगे, यहां पे आप क्या करोगे भाई, यहां पे आप क्या करोगे, ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है ये देखो, आपको पता है इंटीग्रेशन को आप अलग अलग प्लस माइनस में तोड़ सकते हो, तो आपने इसको तो dt by t बोल दिया, पर इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, ये आपको एक क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो इसको हम बना देते ना परफेक्ट क्वाड्रेटिक, तो ये बनेगा आपको पता था जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा, यानी कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और आपने यहाँ पे प्लस फोर यूज कर लिया तो आपको माइनस फोर बाहर करना होगा, माइनस फोर प्लस फाइव क्या हो जाएगा वन, तो हो जाएगा प्लस वन का स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, तो dt by t का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t ठीक है, और साथ में माइनस ये आ जाएगा tan, ये है वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा भाई tan inverse of एक्स बाय ए, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू, क्योंकि नीचे तो वन ही आने वाला है। अब यार आपको पता है आपका लॉग टी नहीं है, देयरफॉर आपका सोल्यूशन जो आ गया वो आ गया लॉग टी को आपने क्या माना था, टी को आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का फाइव ठीक है भाई, और साथ में आपका आया टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू, और साथ में आपका एक आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है। यहां तक आपको सवाल को करना था, और अगर यहां तक आप पहुंच गए तो आप समझो सवाल सही से कर चुके हो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे तुरंत जल्दी लेट ना करते हुए। अब यहां पे थोड़ा सा आपका दिमाग लगना शुरू होगा। अब देखो, अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू नीचे दिया हुआ है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, मैं व्हाइट ले लू, तो व्हाइट पेन आ जाओ एक सेकंड रुक जाओ। आपको दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो आप जब ना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को अगर मैं टी बोलूंगा, अगर मैं t बोलूंगा तो आपको होता है 2x प्लस 3 dx को मुझे dt बोलना पड़ेगा, पर मुझे दिख रहा है ऊपर मुझे 4x दिया है भाई 4x, तो मुझे ऊपर 2x प्लस 3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा देखो इस तरीके से करने वाला हूं। अब मैं करने वाला हूं भाई यहां पे, सबसे पहले मुझे चाहिए 2x, मुझे ऊपर चाहिए 2x, तो मुझे यहां पे दिख रहा है 4x, तो मैं क्या करने वाला हूं 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा 2, 4x में से 2 कॉमन आ गया तो ये बन गया 2x, यहां आ गया साथ में प्लस 1/2। ये समझ में आया कि नहीं, इधर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और नीचे जो एज इट इज लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस का 2 ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए देखो मुझे 2x प्लस 2x तो मिल गया, अब मुझे चाहिए भाई प्लस का 3, मुझे चाहिए प्लस का 3, तो मैं ऐसे करूंगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना दूंगा भाई मैं लिख दूंगा 2x और मुझे चाहिए प्लस का 3 ना, तो मैं इधर एक प्लस 3 ऐड कर दूंगा और एक माइनस 3 और ये प्लस 1/2 पहले से था ठीक है, ये मैंने काम खुद से कर दिया। और मुझे नीचे पता है नीचे क्या है भाई, नीचे मेरे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, तो अब यहां पे मैं एक लास्ट स्टेप लिखूंगा जो मेरा फाइनल स्टेप होगा, जो इस चीज के लिए मैं बना दूंगा 2 और ये बनेगा भाई, ये तो मेरा बन गया 2x प्लस 3 जो मुझे चाहिए था आप ऊपर, और ये माइनस 3 प्लस 1/2, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस 6 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस 6 प्लस 1, ये बनेगा माइनस 5/2 ठीक है, ये पूरे में है ठीक है भाई, ये पूरे में है,
और साथ ही में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस का 2। अब यार अब यहाँ पे आओ, ठीक है, अब यहाँ पे आओ, मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखता हूं, मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 2x प्लस 3, ठीक है, और मैं नीचे लिख दूंगा एक, मैं अब देखो जो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अब मैं बीच में क्या है माइनस, भाई पर ये जो 2 है ना ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये छोड़ मत देना, तो मेरा बनने वाला है 5/2 × 2, तो ये बनेगा 2 × 5/2, ठीक है, 2 × 5/2, और साथ ही में ये इंटीग्रेशन जो हो जाएगा dx अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो आपको पता है ये 2 काटने में देरी नहीं करोगे, यहां भी एक ds लिख दोगे, तो देयरफोर अब मेरा आंसर क्या बनने वाला है, अब मेरा जो आंसर बनेगा वो कुछ इस प्रकार, ये 2 को बाहर ले लो तो मेरा ये इधर आपको ऊपर दिखेगा 2x प्लस का 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये आएगा प्लस का 2, ठीक है, और ये बनेगा माइनस 5 टाइम dx और अपॉन में आपको दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका आपको होता है x का कोएफिशिएंट का आधा बनता है, तो बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 9/4 आपने यूज कर लिया, -9/4 + 2 करना पड़ेगा, -9/4 और ये प्लस का 2, ठीक है, ये आपका बन गया। अब यार फाइनली आपको पता है मैं जैसे ही इसको टी बोलूंगा, आपको पता है ऊपर मैंने टी बोला हुआ है, ऊपर टी बोला हुआ है, जैसे ही मैं इसको टी बोलूंगा भाई आपका जो ये ऊपर वाला है वो डीटी बन जाएगा, ये टी बोलूंगा ये डीटी बन जाएगा, तो मेरा देयरफॉर ये बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स ये बनेगा डीटी और ये बनेगा टी, ठीक है, ये बनेगा टी और यहां मैं लिखूंगा 5 टाइम्स ऑफ ये बनेगा डीएक्स और अपॉन में मेरा आने वाला है भाई, ये बनने वाला है मस्त का एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और यहां बनेगा -9 और ये 4 × 2 हो जाएगा 8, -9 + 8 हो जाएगा -1/4 यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको तो आपको सॉल्व करने आता है, तो पहले अब यहाँ पे देयरफॉर आंसर हम लिखेंगे, देयरफॉर आंसर बनने वाला है 2 टाइम्स ऑफ log t 1/t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है log t और साथ ही में बनेगा भाई आपका -5 टाइम, इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a 2 a कितना है 2 × 1/2, ठीक है, और आता है log x माइनस a, तो x क्या है x प्लस 3/2 माइनस a, तो ये है -1/2 और अपॉन में आता है x प्लस 3/2 और आता है प्लस का 1/2, ये आपका बन गया और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, तो देयरफॉर आपका फाइनली बनेगा। अब यार log t को क्या माना था, t को माना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए ये टू काटने में देरी मत करना, बचेगा माइनस का 5 और भाई यहाँ log में मिलने वाला आपको log में देखो x प्लस 3/2 और ये -1, तो 3/2 - 1/2 ये आपको कर लो, ये बनेगा 2/2, ये बन जाएगा 3 - 1 2/2, तो बनेगा x प्लस 1, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा x प्लस 3/2 + 1/2 ये बनेगा 4/2, तो ये बनेगा 2, तो ये बनेगा x प्लस 2 प्लस सी, तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मस्त सवाल है भाई, थोड़े ना देखो ऐसे टाइप के सवाल बोर्ड्स में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ना भाई उनको देखो आपको नंबर देने ही इस बेसिस पे कि आपको कितने अच्छे से सवाल को दिखाने आता है, तो अगर आप इस तरीके से सवाल को दिखा दोगे, ये तो मैंने थोड़ा पहले शुरू देखो यहां से शुरू किया फिर यहां लेके आया फिर यहां से यहां लेके गया, तो ये मैंने किया इसलिए क्योंकि मुझे समझाना था, अदरवाइज तो मैं नीचे अगर मेरे पास पेज होता तो मैं नीचे नीचे लिखते चले जाता, ठीक है। आ जाओ अब यार थोड़ा सा अब एक सवालों का ना एक अलग फॉर्म शुरू हो गया, अब ना देखो डायरेक्ट आपको वो नहीं दिखेगा कि ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर बनाना पड़ता है भाई, तो देखो आपको एक चीज मैं दिला दूं, साइन एक्स देखो नीचे साइन 2x दिख रहा है और ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, तो आपको पता है अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी बोलू, आपको पता है साइन 2x को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 2x को मैं बोल सकता हूँ 2 sin x cos x फॉर्मूला है, तो अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी बोलूंगा तो मुझे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और इसका मुझे बोलना पड़ेगा dx इज इक्वल टू dt, पर भाई मुझे पता है मुझे ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए था पर मुझे मिला क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, तो मुझे पता है अब मुझे यहाँ पे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स को टी बोलना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी बोलना है, तो अब ये इसका देखो कॉस एक्स और ये बनेगा माइनस का कॉस एक्स, तो ये बनेगा प्लस का साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
ये बनेगा आपका dx जो बन जाएगा आपका dt। तो मुझे पहले भाई sin x माइनस cos x बनाना पड़ेगा नीचे, मुझे नीचे sin x माइनस cos x बनाना पड़ेगा, जिसको मैं t बोलूंगा तो मैं ऊपर वाले को dt बोल पाऊंगा, ठीक है। पर अब मुझे sin x माइनस cos x बनाना है, तो भाई ये इजी काम है। अब क्या करोगे आप देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले करोगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x और ये बनेगा प्लस का cos x, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा, अब इसको छेड़छाड़ मत करो। नीचे देखो, नीचे आपको पता है साइन टू एक्स लिखा हो ना, तो एक चीज आपको हमेशा याद आनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए। देखो मैं ले रहा हूं वन और माइनस वन, वन माइनस वन जीरो ही होता है, तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ठीक है, एक सेम चीज है। और ये लिख रहा हूं मैं साइन टू एक्स। अब आपको एक चीज पता है भाई, एक चीज आपको पता है, अभी ये देखो और एक स्टेप कर लेता हूं मैं, फिर बताता हूं। अब यार देखो साइन एक्स ये बनेगा प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे मैं लिखने वाला हूं भाई, ये देखो फाइव तो एज इट इज रहेगा, फाइव को ऐसे ही रखो, और ये थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से, तो थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा, और फिर से ब्रैकेट ले लो, तो मेरा फाइव प्लस थ्री क्या, देखो ये थ्री जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बनेगा, और फाइव प्लस थ्री हो जाएगा एट, फाइव प्लस थ्री हो जाएगा एट। अब यार आपको पता है ये बचेगा माइनस वन, थ्री अभी भी रहेगा, माइनस वन प्लस का साइन टू एक्स, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये माइनस बाहर ले लूंगा, मैं जैसे ही उस माइनस को बाहर लूंगा तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये बन गया वन माइनस साइन टू एक्स। तो कोई चीज समझ में नहीं आई ऐसी हो तो बता देना भाई। देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो समझा पा सकता था उतना बताया, ठीक है। अब यार नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट आपका आएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स ये तो रहेगा ही, और साथ ही में भाई नीचे करते जाओ, ये हो गया एट माइनस का थ्री टाइम्स। अब आपको पता है वन माइनस, देखो वन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और भाई मेरे आपको ये भी पता है कि साइन टू एक्स माइनस का साइन टू एक्स को आप लिख सकते हो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपने भाई दो चीज लिख दी। अब ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो भाई ये तो अब अच्छा बन गया ना, तो ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका भाई साइन एक्स माइनस साइन प्लस है प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट डी एक्स, और नीचे आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा एट माइनस थ्री टाइम्स ऑफ, ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता चली कि नहीं भाई, नीचे आप मैंने बोला था आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे बनाना होगा, फिर आप उसको टी बोलोगे तो आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो ऊपर लिखा है उसको डी टी बोल पाओगे, तो मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो नीचे बना दिया। अब मैं बोलूंगा, तो अब मैं यहाँ इससे बोलूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैं टी बोल रहा हूँ, इसको मैं टी बोल रहा हूँ तो ऊपर वाला डी टी बन रहा है, तो मैं बना दूंगा भाई फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को मैं बोल रहा हूँ डी टी और अपॉन में मुझे बोलना पड़ेगा एट माइनस थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी बोला है, तो ये हो जाएगा एट माइनस थ्री टी स्क्वायर। अब यार अब क्या करना है, आपको पता ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है हमेशा यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, तो मैं बना दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे। अब यार वन बाय थ्री कॉमन ले लो, वन बाय थ्री मैंने बाहर ले लिया नीचे से, तो ये बनेगा एट बाय थ्री और ये बनेगा टी स्क्वायर, तो देयरफॉर अब मेरा आंसर जो निकल के आने वाला है वो हो जाएगा वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में एट बाय, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, ये देखो ऐसे अंडर रूट एट बाय थ्री का होल स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर और ये डी टी ऊपर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ये ऊपर अंडर रूट वगैरह में नहीं है, तो ये देयरफॉर आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे भाई वन बाय थ्री, इसका क्या होता है वन बाय टू ए, तो ए क्या है आपका, ए है आपका अंडर रूट ऑफ एट और साथ ही में है अंडर रूट ऑफ थ्री, और यार और क्या आएगा वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस सॉरी ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स आपका क्या आएगा, ए माइनस एक्स यानी कि अंडर रूट, ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट एट बाय थ्री माइनस का टी और साथ में आपका आएगा भाई अंडर रूट 8 बाय 3 और ये आ जाएगा प्लस का टी, और अब आपका एक ही काम यहाँ पे रहता है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्लस का सी। आप यहाँ टी आपने क्या माना था साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पुट कर देना तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं भाई, आपको आंसर तक ले आया हूँ। अब यार ये काम है, पर ये सवाल अच्छा था भाई, मजा आता है ऐसे सवाल करके भाई, अच्छे थे सवाल, क्यों पता है क्या, क्योंकि यार ये लॉजिक लगाना ना, ये लॉजिक आपको लगना चाहिए था, लॉजिक, ठीक है।
कि मैं क्या करूं। तो जब ये लगा लोगे तो बाकी तो सवाल तो आसान ही है, बाकी तो इंटीग्रल का फॉर्म है आ जाएगा अपने आप। तो यार उसी का एक और फॉर्म है, थोड़ा उसी का एकदम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अब पेन चेंज करने की बारी हमारी आ चुकी है, हम लेंगे फिर से, हम क्या लेते हैं भाई, हम ग्रीन लेते हैं, ग्रीन नहीं ब्लू लेते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। आओ अब मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब मैं लिखूंगा, मुझे दिख रहा है ऊपर 3 sin x माइनस का 2, 3 sin x मुझे दिख रहा है 3 sin x माइनस का 2, ठीक है ये ऐसे ही लिख दो। और यहां मुझे दिख रहा है cos x dx, और नीचे मुझे दिख रहा है भाई, नीचे मुझे दिख रहा है 5 माइनस cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा और माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है, तो बन जाएगा प्लस का sin स्क्वायर x, और ये बनेगा माइनस का 4 sin x। तो किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन बनी क्या? नहीं भाई, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। देयरफोर अब मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं इसको फिर से लिखूंगा 3 times sin x, 3 times sin x माइनस 2, ठीक है 3 times sin x माइनस 2 cos x dx। और साथ में मैं जो नीचे लिखने वाला हूँ वो मेरा कुछ इस प्रकार होगा, आ जाओ ये देखो 5 और माइनस 1 हो जाएगा 4। तो साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स सबसे आगे, और प्लस का माइनस का 4 sin x, माइनस का 4 sin x, और 5 minus 1 हो गया आपका प्लस का 4। अब यार ये देखो नीचे साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, ऊपर कुछ लीनियर जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी बोल दिया आपने, ठीक है। तो जैसे ही आपने साइन एक्स इज इक्वल टू टी बोला तो आपका बन गया cos x dx, ये आपका बन गया dt। तो ऊपर cos x dx दिख भी रहा था, ये दिख भी रहा था भाई, तो फायदा भी हुआ लेने का। और जहां जहां पे साइन एक्स वहां पे टी बोल दो, तो वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखोगे टी, तो ये बनेगा 3t minus 2, और ये बन गया बाहर एक dt, cos x dx बन गया dt। और नीचे आपको लिखना है भाई, ये बन गया t square माइनस का 4t, और ये बन गया प्लस का 4। ये तो बन गया। अब यार नीचे देखो, नीचे एक क्वाड्रेटिक ऊपर एक लीनियर, भाई नीचे एक क्वाड्रेटिक ऊपर एक लीनियर, तो क्या करते हैं हम, नीचे वाले का टी मानते हैं, ऊपर वाले को डी टी मानते हैं, पर आप बनाना पड़ेगा। तो मैं जैसे आप देख रहे हो, मैं व्हाइट ले लेता हूं फिर से, आ जाओ, जैसे ही मैं t square minus 4t प्लस 4 को मैं अगर p बोलता हूँ, क्योंकि मैंने t मान चुका हूं पहले ही, p बोलता हूं, तो मेरा बनता है 2t minus 4। एक सेकेंड, इस सवाल को करने का एक बढ़िया तरीका मुझे दिख गया। अब देखो ये भी एक तरीका है, ये तो हम जो शुरू से सीख के कर ही रहे, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये देखो इसको मैं यहां लिखू इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे करता हूं, ये है भाई 3t minus 2, और ये बन गया dt। और जो नीचे लिखा है ना भाई, ये t minus 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, t minus 2 का होल स्क्वायर। तो जब ये t minus 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर भी मेरा t minus 2 जैसा बनाने का, तो जिससे क्या कटपीट होकर मेरा आंसर बन जाएगा बढ़िया का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली करने वाला हूँ, देयरफोर मुझे ऊपर भी 3t minus 2 चाहिए, तो मैं ऐसा कर दू 3t 3t। अब मुझे पता, अगर मैं माइनस सिक्स करूंगा, तो इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो t minus 2 बन जाएगा। तो मैंने -6 लिया है, तो मुझे +6 भी करना होगा, और यहाँ पे एक -2 पहले से पड़ा हुआ है, तो ये भी मुझे करना होगा, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नहीं करूंगा तो सवाल ही बिगाड़ दूंगा मैं। तो बनेगा t minus 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक बार का dt। तो अब मेरा आगे क्या आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा, अब मैं ना दोनों को अलग कर लेता हूँ। तो यार यहां से देखो, मैं यहां से 3 पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा बचा है t minus 2, और अपॉन में बचा है t minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ +6 minus 2 बन गया प्लस का 4, तो मैंने दोनों को अलग कर लिया, तो ये 4, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये बना t minus 2 का होल स्क्वायर। तो जब इतना हो चुका है, तो आपको देखो ये t minus 2 और ये t minus 2 का होल स्क्वायर कटता हुआ दिख गया। तो फाइनली क्या बचा, 3 times dt अपॉन में t minus 2, एक तो t minus 2 चला गया, और साथ में एक लिखा है प्लस का 4, और ये बन गया 1 upon dt upon, ये बन गया dt upon t minus 2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये देखो, इसको ऐसे देखो, x^n है, पर ये ऊपर जाएगा तो x^-हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे बता दूं आपको, कोई झंझट है नहीं इसमें। अब ये बन गया 3 times log t minus 2, ये तो 1/t का क्या होता है, 1/x का होता है log, पर ये t minus 2 है, प्लस का 4, ये बनने वाला है x^-n। तो यार यहाँ पे x क्या है, x आपका t minus 2 और minus n, तो
माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन ही हो जाएगा, तो फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये बनने वाला है वन अपॉन टी माइनस टू, और साथ में आपका एक इधर माइनस भी आ जाएगा भाई, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का वन, ठीक है, माइनस का वन, और प्लस का सी तो आना ही आना है, ठीक है। अब भाई जो फाइनल स्टेप आपका बच रहा है, ठीक है, जो फाइनल स्टेप आपका यहाँ पे बच रहा है वो आ रहा है थ्री टाइम्स लॉग लॉग टी माइनस टू, टी क्या माने थे हमने, टी माने थे साइन एक्स को, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस का टू, और प्लस इधर आ जाएगा माइनस फोर, और नीचे आ जाएगा भाई टी माइनस टू, यानी कि साइन एक्स माइनस टू, साइन एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा प्लस का सी, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है, मस्त मस्त मक्खन जैसा सवाल बनते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक और अच्छा सवाल भाई देखो आप बोल रहे होगे ना कि बोर्ड लेवल के सवाल करवाओ, तो बोर्ड लेवल के सवाल तो करवाने में क्या है भाई, झट से बन जाएंगे, पर ये सारे करोगे ना भाई तो सीटी का एग्जाम ज्यादा अच्छा जाएगा, तो हम सीटी ओरिएंटेड भी चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स की पावर फोर प्लस, तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा डिनोमिनेटर को दोनों में ब्रेक कर लूंगा, तो मेरा बनने वाला है ए एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर, और बनेगा प्लस का बी एक्स, बी एक्स और अपॉन में बनेगा एक्स की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर। अब यार यहाँ पे क्या करोगे, तो अभी तो आपने देखा भाई, जैसे ही मैं इसको एक्स की पावर फोर को प्लस सी स्क्वायर को टी बोलूंगा, तो मुझे पता है, देखो ऐसे यहीं पे कर लेता हूं, देखो एक्स की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर को मैं बोल दूंगा टी, मैं बोल दूंगा टी, तो यहाँ पे एक डी एक्स भी है, डी एक्स, तो मेरे को आपको पता है फोर एक्स क्यूब डी एक्स, सी स्क्वायर को तो आप जीरो बोल दो क्योंकि कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, डी एक्स को मैं बोल दूंगा डी टी, तो देयर फोर एक्स क्यूब डी एक्स को मैं बोल दूंगा डी टी बाई फोर, तो यार ये एक्स क्यूब डी एक्स तो आपको दिख ही रहा है, और ये ए तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन के, तो मेरा फाइनली बन जाएगा ए टाइम्स ऑफ ये डी टी बाई फोर हो जाएगा, डी टी यहाँ लिख देता हूँ, फोर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डी टी बाई फोर, और साथ ही में आ जाएगा आपका नीचे एक्स की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर को मैंने टी बोल दिया, तो बस यार ये सवाल तो खत्म ही हो गया। अब बस इसको देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं सिंपली करूंगा, यहाँ आपको एक्स दिख रहा है बी एक्स, तो यार और नीचे एक्स की पावर फोर, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके, ये देखो इस तरीके से लिखना चाहूंगा, ये बनेगा भाई, ये देखो यहीं पे लिखता हूँ ना भाई नेक्स्ट स्टेप में, तो ये मेरा बनेगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और अपॉन में बनेगा भाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर चार है मतलब एक्स की पावर टू का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की पावर टू का स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर। अब यार यहाँ पे मैं, यहाँ पे देयरफॉर मैं एक्स स्क्वायर को मैं टी बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं टी बोलता हूँ, तो टू एक्स डी एक्स को मैं डी टी बोल दूंगा, तो देयरफॉर एक्स डी एक्स को मैं क्या बोल पाऊंगा, एक्स डी एक्स को मैं बोल दूंगा डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स डी टी बाई, और ये बी तो कौन सा है, और ये एक्स और ये डी एक्स, तो एक्स डी एक्स को डी टी और ये बी बाहर ले लूंगा, तो मेरा फाइनली जो बनने वाला है यहाँ पे देखो ए बाय फोर पहले से था और ये डी टी बाई टी, मैं एक साथ आंसर लिखना चाहता हूँ इसे, नहीं तो डी टी बाई टी का तो मुझे इंटीग्रेशन आता ही है, और ये प्लस का हो जाएगा, ये बी मैंने बाहर ले लिया, बी बाहर ले लिया, और एक्स डी एक्स को मैं डी टी बाई क्या बोल पाऊंगा टू, तो मैंने बी बाय टू कर दिया, और साथ ही में मेरे को नीचे क्या लिखना है, मुझे नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब यार ये सवाल लगभग खत्म ही हो गया, अब इसमें हमको वैसे तो कुछ खास करना है नहीं, ठीक है, रह जा रहा है इसमें जो है वो मैं कर दे रहा हूं। अब ये बनेगा भाई a बाय फोर, a बाय फोर ये बनेगा log log t। अब यार आपको बताए t आपको नहीं लिखना है, आपको मानना है जो आपने t बोला था, t क्या बोला था, फोर एक्स क्यूब माना था, नहीं एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर बोला था। अब बनेगा प्लस का, ये बनेगा b बाय टू, ये तो एज इट इज रहेगा, और साथ में आपको बताए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, वन बाय ए, ये होता है वन बाय ए, वन बाय ए क्या बनेगा आपका, ए बनेगा भाई क्या होगा, ए क्या बनेगा, ए आपका सी है, तो बनेगा वन बाय सी इंटू टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो एक्स है हमारा टी और ए है हमारा सी, तो ये प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। और फाइनली जो बनने वाला है ए बाय फोर लॉग लॉग, अब टी का क्या बोला था आपने, फोर एक्स क्यू पावर फोर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है भाई, एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे एक बार टी बोल चुके थे ना, तो इसको बोलो पी, पी इसको बोलो डी एक्स बाय डी पी, इसको बोल दिया पी, इसको बोल दिया डी एक्स बाय डी पी, देयरफॉर ये बन गया एक्स डी एक्स डी एक्स नहीं एक्स डी एक्स, हाँ डी एक्स, इसको बोल दो डी पी, डी पी बाय टू, और साथ ही चीज यहाँ पे भी लिख दो डी पी बाय टू, डी पी बाय टू, और कहीं पर रह गया क्या, नहीं हाँ अब ठीक है भाई, क्योंकि एक चीज को दो बार नहीं बोल सकते, ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बार पी बाय टू बोलना पड़ेगा बस। अब यार आ गया भाई प्लस का
बी बाई टू सी, बी बाई टू सी इंटू टेन इनवर्स ऑफ, अब आपने पी को क्या माना था, पी माना था एक्स स्क्वायर को, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बाई सी और ये आ जाएगा प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका बन गया सवाल, तो यही था भाई इस सवाल में, तो काफी ठीक था, गुड गुड क्वेश्चन, दो चीज लगी आपकी, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखो हर एक चीज पे, हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ लगा इसमें, ठीक है। अब आ जाओ टाइप टू में, अब यार अभी तक आप पढ़ रहे थे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, अब पढ़ोगे भाई, अब आप पढ़ोगे लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो ये भी एक फॉर्म आता है भाई, जब भी आपको लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिखे, अभी भी आपको वही चीज करनी है। अब पहले आप क्या बोल रहे थे, ये जो नीचे का टर्म रहता था उसको टी मानते थे, पर अब आपको क्वाड्रेटिक रूट दिख रहा है तो आप टी स्क्वायर मानोगे, टी स्क्वायर मानोगे और ऊपर वाला आपका डी टी बनेगा, तो सेम चीज फिर से करनी है, तो ये स्टेप आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा। पर आपको पता है जब भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो आपको ये वाला जब भी ऐसा फॉर्म दिखे डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेम चीज अगर एक्स इधर माइनस होता तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, तो यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्म आपका इस बार बनने वाला है। आ जाओ भाई इसको तुरंत सवाल से देख लेते, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू को मैं बोलता हूँ टी, तो मुझे पता है टू एक्स माइनस के थ्री, टू एक्स माइनस का थ्री मुझे बोलना पड़ेगा डी एक्स, टू एक्स माइनस थ्री के डी एक्स को मुझे बोलना पड़ेगा डी टी, पर मुझे ऊपर एक्स माइनस वन दिख रहा है तो इसको मुझे पहले बनाना पड़ेगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आ जाओ देखो, तो मैं करने वाला हूँ भाई, मैं सबसे पहले ना इधर आपको टू एक्स चाहिए, पहले टू एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा टू से मल्टीप्लाई करूंगा और टू से डिवाइड, तो जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा टू एक्स माइनस का टू, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिवाइड लिखा हुआ है टू, तो देखो ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे तो सेम चीज है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब यार मैं लिखूंगा एक्स, रुको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू, अब यार साथ ही में आपको इक्वल टू लिखो, यह आ जाएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब आपको क्या चाहिए टू एक्स माइनस थ्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा मैं माइनस थ्री प्लस थ्री कर दूंगा, टू एक्स माइनस थ्री, और ये आपका एक माइनस थ्री किया तो प्लस थ्री भी, और ये माइनस टू पहले से पड़ा हुआ है, और नीचे आपको दिख रहा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये आ गया प्लस का टू, और ये आपका इधर इक्वल टू आ गया वन बाय टू, और साथ ही में आ गया भाई, अब यार ये सवाल खत्म हो गया, टू एक्स माइनस थ्री हमको चाहिए था वो मिल चुका है, टू एक्स माइनस थ्री हमको चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है, और ये मैं इसके नीचे अंडर रूट ये पूरा टर्म लिख दूंगा, और साथ में मेरा प्लस थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वन, और इसके साथ जो है पूरा का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी जाएगा अंडर रूट के, यहाँ भी बनेगा dx, यहाँ भी बनेगा dx। अब यार अब इसको मैं यहाँ से अच्छे से आपको बताता हूँ, अब मुझे यहाँ पे आप समझ गए ना मैंने क्या किया वहां पे, अब यार देखो इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना टू एक्स माइनस थ्री, और नीचे बना भाई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। हाँ एक चीज और मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ी सी गड़बड़ हुई वो ये थी, मैं एक बार ये लेके बता देता हूँ इरेजर करके, मुझे भाई क्या करना है, मुझे करना है भाई इसको टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो मुझे इसको टी स्क्वायर मानना है, ठीक है, तो मेरा बनेगा, आ जाओ मैं अब लेता हूँ व्हाइट, तो देखो यहाँ पे मुझे इसको मानना है टी का स्क्वायर, तो जैसे इसका टी का स्क्वायर माना तो डी एक्स बनेगा टू टी डी टी। अब करो अब यार, और साथ में आएगा आपका यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू, अब ये बन चुका है भाई, देयरफोर आपका बनने वाला है, ये देखो इसको आप मानोगे टी स्क्वायर, ऊपर बनेगा आपका टू टी डी टी, ये आपका डी एक्स लिखा है ना, तो अब टू एक्स माइनस थ्री एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, टू एक्स माइनस थ्री एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो टू टी डी टी, तो लिखो टू टी डी टी, ऊपर लिखोगे आप तो ये बन जाएगा वन बाय टू, और साथ ही में आएगा भाई इसको आप लिख सकते हो टू टी डी टी, ठीक है, और नीचे जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को आप लिखोगे टी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो अंडर रूट कट जाएगा बचेगा टी, तो नीचे सिर्फ बचा टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तो भाई अब आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो आ जाओ बनाते, बनेगा डी एक्स अपॉन में ये आपका बन जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स इसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो बनेगा एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, और आपका बनेगा भाई प्लस नाइन बाय फोर, आपने यहाँ पे यूज कर लिया 9/4, तो आपको करना पड़ेगा माइनस 9/4
और ये बनेगा प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल ये टी और ये टी कटता हुआ दिख गया, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 फिर से 1 बन जाएगा, तो आपका ये बनेगा बस इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये इतना आसान बन गया, ये इतना आसान बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ प्लस करोगे, प्लस आपको इतना ही करना है, ये देखो -9/4 और ये प्लस, तो ये -9 + 8 हो जाएगा -1/4। -1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो बनेगा dx अपॉन में x -3/2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -1/2 का होल स्क्वायर। तो बस काम खत्म होने वाला है भाई, ये पूरे का अंडर रूट है, ठीक है, ये पूरे का अंडर रूट है। अब यार ये dt का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, dt का इंटीग्रेशन होता है t और साथ में आपको लिखना होगा प्लस, ये बन गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। तो इसका आंसर होता है log x हमारा है x -3/2 और साथ में आता है x -3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है मेरा x -3/2 का होल स्क्वायर और साथ में मेरा आएगा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बन चुका है और साथ में आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना होगा और आपको अभी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। टी आपने क्या माना था, टी आपको टी के जगह देखो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 को टी स्क्वायर माना, तो टी क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2। तो आपको ये डालना होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 और ये आ जाएगा प्लस log ये आ जाएगा भाई सिंपली आ जाएगा 2x - 3/2 और ये प्लस अंडर रूट ये जो आपका पूरा क्वांटिटी है और साथ में प्लस सी, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छा था, समझ में आया होगा और सेम आप उसी तरीके का सवाल फिर देखने चाहोगे आप तो आ जाओ। इसमें आप देखो नीचे आपको क्या दिख रहा है x square प्लस 5x प्लस का 2, इसको मैं बोलता हूँ अंडर रूट में है तो टी स्क्वायर बोलूंगा, तो आपको होता है 2x + 5 dx जो है आपका बन जाएगा 2t dt। पर मुझे देख रहा है ऊपर मुझे चाहिए 2x + 5 पर है क्या 3x + 4, तो अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखो ऊपर चाहिए मुझे 2, तो पहले यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 3 तो सबसे पहले कॉमन ले लूंगा, तो मेरा आने वाला है 3 कॉमन ले लिया बन गया x + 4/3, ये हो गया मेरा पहला काम। अब मुझे पता है नीचे तो सेम एज इट इज मुझे लिखना ही पड़ेगा x² + 5x + 2, अब मुझे इक्वल टू लेके लेना है, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए भाई मुझे चाहिए क्या चाहिए 2x चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ देखो ये स्टेप ध्यान से देखना, 3 और यहाँ पे मुझे 2x चाहिए था तो मैंने इसको 2x से 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2x कर दिया और ये प्लस का 4/3 मैंने एज इट इज रहने दिया और नीचे मुझे एज इट इज ये जो दिया हुआ है ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यार नेक्स्ट स्टेप देखो, मुझे चाहिए 2x + 5 चाहिए, तो प्लस 5 चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा इसको इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स मैं लिखूंगा 2x/2, ठीक है, प्लस का 5/2। मुझे 5 चाहिए था तो मैंने 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी नहीं तो फिर मैं उनको एक साथ लिख ही नहीं पाता, और भाई प्लस का 5/2 मैंने यहाँ पे किया तो मुझे माइनस का 5/2 भी करना होगा और ये प्लस का 4/3 भी करना होगा। अब सिंपली आपका आंसर नेक्स्ट स्टेप में निकलते मतलब इसके बाद हम लिख पाएंगे, तो ये तो अंडर रूट में आएगा ही। अब यार इसी के नीचे मैं लिख दूं इसका एक और स्टेप, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स क्या बनेगा 2x + 5/2, तो ये बनेगा 2x + 5/2 और ये बनने वाला है -5, देखो ये -5 × 3 हो जाएगा -15 और ये 2 × 4 हो जाएगा 8, -15 + 8 ये बनने वाला आपका -15 + 8 हो जाएगा -7/2 × 3 हो जाएगा 6, 2 × 3 हो जाएगा 6 और ये अपॉन में आपको पूरा का पूरा एज इट इज दिखने ही वाला है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपका एक लास्ट स्टेप और लिख लेते हैं वो होगा इस तरीके से। तो देखो मैं लेता हूं, अब दोनों का इंटीग्रेशन मैं तोड़ दूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ, नहीं पहले मैं करता हूँ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, ये होगा 3/2 और ये मेरा आ गया 2x + 5, ये आ गया क्योंकि मैं देखो इनको पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे भी करता हूँ, अब मेरा आएगा -3, अब ये देखो 6 है ऊपर 3 है तो ये 2 हो जाए तो बन जाएगा 7/2। तो ये कोई बड़ा स्टेप तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके साथ ले लिया अपना ये अंडर रूट और साथ में इसके साथ ले लिया ये अंडर रूट, अब दोनों को जो है मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा, यहाँ भी dx, तो आ जाओ अब मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, तो मुझे इसी से शुरू करना है, तो मैं लिखने वाला हूँ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मैं लिखूंगा नेक्स्ट पेन से जो कि होगा मेरा ग्रीन, तो आ जाओ। तो मैं लेने वाला हूँ 3/2 ये बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के और मेरा बन जाएगा भाई 2x + 5 और साथ में मेरा नीचे क्या है भाई, नीचे है मेरा x² + 5x
प्लस का 2, ठीक है, ये बन गया। और मुझे लिखा है माइनस माइनस 7/2 को बाहर ले लो भाई, और इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में भाई ये पूरा का पूरा सेम चीज वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2, ठीक है। अब करो इसका, तो देखो इसको मैंने टी स्क्वायर माना, इसको मैंने टी स्क्वायर माना, तो मेरा देखो बनने क्या वाला है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 dx को, 2x प्लस 5 dx को मैं क्या सकता हूँ 2t dt मान सकता हूँ, तो लिख दो ये हो गया 2t dt। और नीचे क्या आ गया भाई, नीचे मैं बोल दूंगा अंडर रूट टी स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस 7/2, और ये बनने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा dx, और ये बनेगा अपॉन में बनेगा, अब देखो इससे आधे का स्क्वायर बनता है तो 5/2 का, तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और बनेगा भाई देखो आपने प्लस 25/4 यहाँ पे यूज कर लिया, तो आपको माइनस 25/4 और ये प्लस 2, तो नीचे का 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस 25 प्लस 8 क्या हो जाता है, -25 + 8 आपका बनेगा -18/4, क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, ठीक है, -25/8 आपको 8 से करना था, तो नहीं नहीं -17/4 आएगा, तो आपका आएगा -17/4। तो देखो यार मैं चाहता तो अंडर रूट ये कर दिया, पर मैं एक स्टेप और आपके लिए लिख लूंगा, तो ये आपको देखो यहाँ पे +25/4 आपने यूज कर लिया था, तो -25/4 आया, -25/4 था और प्लस 2 था, तो नीचे का जो 4 था इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो -25/4 प्लस 2 × 4 8 हो गया, -25 + 8 क्या होगा -17/4, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, अब ये देखो ये अभी तो सिंपल बनते जा रहा है, ये हो गया 3/2, ये देखो ये वाला तो एकदम बन गया, ये देखो ये बन गया 2t dt, ये बन गया 2t dt, और ये नीचे स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ t, तो ये t और ये t भी काट दो भाई, ये t और ये t भी काट दो, अब बनेगा नीचे -7/2, ये बनने वाला है भाई dx अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, ये बन गया, देखो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3, तो मेरा आने वाला है 3 टाइम ये dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और माइनस 7/2, और यहाँ पे क्या आने वाला भाई, यहाँ पे आपको होता है 1/x अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है log x, x क्या है हमारा x प्लस 5/2, और साथ में क्या आता है, साथ में आता है log x प्लस अंडर रूट एरियर प्लस होगा, ठीक, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, तो बनेगा एक्स प्लस 5/2, और साथ में बनेगा एक्स माइनस अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली जो है आंसर प्लस का सी, ये आंसर बन गया। तो देखो थोड़ा भाई है, मतलब मजेदार तो है, और साथ ही साथ दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, सोचो कि सब अपने आप बन जाएगा, आप हो जाएगा, नहीं नहीं इसके लिए पेन चलाना पड़ेगा, बिना चलाए नहीं बनेगा, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, आ जाओ नेक्स्ट सवाल, थोड़ा आसान है भाई, ये इसलिए आसान है क्योंकि देखो नीचे जो दिख रहा है आपको 3x² देखो अब मैं दो तो 3x² माइनस का 5x प्लस का 1, इसको मैं बोल लेता हूँ t², तो मुझे पता है ये हो जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएट करो, ये बनेगा 3 × 2 हो जाएगा 6x माइनस का 5 dx/dt वो बनेगा मेरा 2t, तो ये हो जाएगा dt, यहां पे आ जाएगा तो 2t dt। तो अब यार देखो 6x माइनस 5x और ये dx, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया 2t dt। तो ये देखो फाइनली मैं लिखूंगा integration is equal to ये देखो 6x माइनस 5x dx को मैंने बोल दिया 2t dt, ये मेरा बन गया 2t dt, और नीचे जो था 3x² माइनस 5x प्लस 1 को मैंने बोल दिया t का स्क्वायर, तो अब यार मेरा ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, और ये बन गया भाई ये स्क्वायर और ये कट गया रूट, ये बन गया मेरा t, तो ये t और ये t कट गया, तो मेरा फाइनली आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2dt, तो ये बन गया भाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, और यहाँ पे बन गया 2 टाइम्स ऑफ t प्लस का c, तो हमारा t क्या है, t है मेरा 2 टाइम्स ऑफ t, और ये आ गया t 3x² ये है 3x² माइनस का 5x और ये है प्लस का 1, और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जब तक इंडेफिनाइट पढ़ रहे हो कांस्टेंट डालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ एक अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, और आपको पता है जब भी रूट दिखता है रैशनलाइज करने से बच्चे डरते नहीं है, ठीक है, तो हम तुरंत रैशनलाइज करेंगे। तो आ जाओ सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन तो पेन चेंज कर लेना चाहिए, बहुत देर से हम इसी पे चल रहे हैं, तो आ जाए रेड पे,
आ जाओ, तो देखो ये होगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा आपका अंडर रूट, एक तो ये ना रूट रूट बनाना, ये देखो ये हो गया a माइनस एक्स, ठीक है a माइनस एक्स, आपको पता है नीचे वाला जो है a प्लस एक्स उसका हम क्या करेंगे अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस था ना, हाँ a माइनस एक्स, और ये नीचे क्या बनेगा भाई, नीचे बनेगा भाई a प्लस एक्स, और ये बनेगा a माइनस एक्स, ठीक है ये सारा का सारा अंडर रूट के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब भाई अब मैं इसको क्या लिखूं, मैं नीचे लिखूं या साइड में लिखूं, नीचे चलो यहीं से लिखता हूं, ये बनेगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ अब ये बनने वाला है सिंपल, क्या बनेगा a माइनस एक्स हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये बन गया। अब यार ये स्क्वायर और ये रूट इसका कट जाएगा तो बचेगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में ये dx भी है ना बात dx, ठीक है। अब यार नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया a माइनस एक्स, ठीक है a माइनस एक्स, और आपके साथ ही में दिखेगा नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेता हूँ, तो कुछ इस प्रकार सेपरेट होगा भाई, देखो ये a हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हम अंडर रूट के अंदर थे भाई, हम अंडर रूट कैसे हटा सकते हैं, ये हम अंडर रूट के अंदर थे और यहाँ पे भी हम अंडर रूट के, तो सवाल को मत बदलना, सवाल को नहीं बदलना है, ठीक है। और ये माइनस का हमने लिया एक्स एक्स डी एक्स, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा बन चुका है भाई। अब आपको दिखने की जरूरत, दिख ही चुका, थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगा ही होगा। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ आ जाओ, जब आप यहाँ पे आते हो तो इज इक्वल टू मैं ले लूंगा, ए को बाहर लेता हूँ, ए कोई कॉन्स्टेंट टर्म है तो उससे तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट, ये क्या बना भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही में क्या लिखा है आपके, साथ ही में आपके है भाई कहाँ पे आ गया, माइनस का ये हो जाएगा भाई एक्स डी एक्स, ठीक है एक्स डी एक्स, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है भाई मैं नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं बोल देता हूँ टी स्क्वायर, देयरफोर मेरा क्या बनेगा, ए स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, मेरा बनेगा माइनस टू एक्स डी एक्स बन जाएगा टू टी डी टी, ये टू भी कट जाएगा, तो एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा एक्स डी एक्स बन जाएगा मेरा माइनस का टी डी टी, तो फाइनली अब चलो आ जाओ, तो यार एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ मैं दूंगा टी डी टी, तो यार अब मैंने क्या बनने वाला है भाई, अब मेरा यहाँ पे सिंपल जो चीज बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार होगा TDT, और नीचे मैंने लिखा है अंडर रूट टी का स्क्वायर, ठीक है टी का स्क्वायर, तो ये बन गया a टाइम्स ये क्या होगा 1/√a² में, तो इसका क्या आंसर था log x x प्लस, ये हो जाता है अंडर रूट a² - x² ये तो आ गया भाई, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी, तो TDT तो ऊपर पढ़ा ही हुआ है, और साथ ही में आपने लिख दिया भाई ये एक और टी आ गया, ये स्क्वायर ये कट गया तो बचा सिर्फ टी, ये टी फिर कट गया, तो आपका आंसर जो निकल के आ गया वो आ गया a log x प्लस अंडर रूट a² - x², ठीक है a² - x², और आपका साथ में क्या बना भाई, आपका साथ में बना माइनस का ये dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और ये प्लस का c, और t क्या लिख दोगे आप, ये आ जाएगा a log x प्लस अंडर रूट a² - x², ठीक है, और ये माइनस t क्या था, आपने t क्या बना भाई a² - x² और ये आ जाएगा प्लस का c, तो ये आपका आंसर बन चुका है, ठीक है ये आपका आंसर बन चुका है। और हाँ एक हमने गलती ये कर दी कि हमको एक्स डी एक्स को -TDT माना था, -TDT, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता, ये आपका प्लस हो जाता, ये आपका प्लस हो जाता, ठीक है, तो ये आपका a² - x² अब बन गया आपका आंसर, ठीक है। आ जाओ एक और सवाल है यहाँ पे, कुछ अच्छा सब्स्टिट्यूशन आपको देखने मिलेगा, तो देखो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे dx दिख रहा है, ठीक है मुझे यहाँ पे dx दिख रहा है, एक इस सवाल में करेक्शन मुझे लग रहा है वो ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे x था, ठीक है इस सवाल का गलती है, बुक से हमने उठाई थी तो कोई दिक्कत नहीं, ये है एक्स dx, ठीक है। तो अब हम ना इसमें क्या करने वाले, अब हम इसमें सिंपली करेंगे, हम बोल देंगे एक्स स्क्वायर को इस वाले में ना पूरे में एक्स स्क्वायर को हम बोल देंगे
एक्स स्क्वायर को बोल देंगे ए स्क्वायर टी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर टी बोलेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे काट देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता ए स्क्वायर का बी स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर टी बोलते, सी होता तो सी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, बनेगा टू एक्स डी एक्स, ये आपका बनने वाला है, ये आपका बनने वाला है ए स्क्वायर, और ये बनेगा टी टी का तो ये बन जाए ए स्क्वायर डी टी। तो आपका फाइनली एक्स डी एक्स को आप बोल सकते हो, एक्स डी एक्स को आप बोल सकते हो ए स्क्वायर बाय टू डी टी। तो ये जो एक्स लिखा हुआ है और ये जो डी एक्स बाहर लिखा हुआ है इसको आप बोल सकते हो ए स्क्वायर बाय टू डी टी, ये तो कॉन्स्टेंट है पूरा, तो मैं ऐसे लिखूंगा आप अंदर वाली क्वेश्चन को, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय टू और साथ ही में डी टी भी लिखना है पर मैं लिखता हूं उसको, और ये आएगा भाई, ये आएगा कुछ इस प्रकार ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना ए स्क्वायर टी, और साथ ही में मेरा नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी, ठीक है, और ये डी टी एक मेरा बाहर पड़ा हुआ है। अब आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू को तुरंत बाहर ले लो, अंदर लिखे कोई मतलब है नहीं, ये अब मैं दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो मैं जब ए स्क्वायर कॉमन लेते हुए दिखूंगा आपको, तो ये ए स्क्वायर कॉमन ये बनेगा वन माइनस टी, और नीचे भी ए स्क्वायर कॉमन लूंगा ये बनेगा वन प्लस टी, ठीक है, और ये बाहर एक डी टी आपका पड़ा हुआ है। अब ये स्क्वायर कट गया भाई, ये स्क्वायर कट गया, तो यहीं पे एक और स्टेप लिख लेता हूं मैं, ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू, ये बना मेरा फाइनली वन माइनस टी और ये बना वन प्लस टी। तो मुझे पता है अब यार देखो ये लास्ट वाले सवाल जैसा नहीं हो गया, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, तो ये बनेगा वन माइनस टी, और एक बार फिर से मैं नीचे वाले के अपोजिट साइड से रैशनलाइज ऐसे ही होता है, तो वन माइनस टी से इसको दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा बनने वाला है वन प्लस टी, ठीक है, और ये मेरा बनेगा वन माइनस टी, वन माइनस टी। अब फाइनली जो आप यहाँ पे देखोगे वो देखोगे आप ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ आप जो देखने वाले हो डी टी देख लो, यहाँ पे पहले तो डी टी देख लो, अब ये बनेगा वन माइनस टी, वन माइनस टी, वन माइनस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आप देखोगे वन माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा भाई ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा मेरा भाई टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टी प्लस वन टी माइनस वन एक ही बात है, ठीक है। अब यार अब मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे आपको सिंपल चीज जो दिख रही होगी वो ये है, मैं डी टी तो लिख ही दूंगा, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये लास्ट वाले सवाल जैसा ही बन गया, आप जब हमने थोड़ा सा वो कर दिया, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बाय टू और साथ ही में मेरा बना इंटीग्रेशन ऑफ एक सेकंड रुकना, हमने ये कुछ गड़बड़ की यहाँ पे, ये देखो ये इसको इरेज करता हूँ, अब आ जाओ फिर से पेन लो, येलो उठा लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरा भाई क्या बनेगा, ये क्या है वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यार आपको सिंपली क्या करना है ना, सिंपली ये करना है, ऊपर आपके वन माइनस टी बचेगा, ऊपर वन माइनस टी आपका बच गया, और नीचे आपका जो है, नीचे है आपका वन माइनस टी का होल स्क्वायर, तो आपको सिंपली अब करना क्या है, ये दोनों को जो है अलग अलग लिख लेना है। तो मैं करूंगा ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, और ये बनेगा पूरे का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो सबसे पहले वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा भाई माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये आपका पूरा बन रहा है। अब इसका आंसर आपका लिखने की जिम्मेदारी बन रही है, ए स्क्वायर बाय टू ये बन गया वन माइनस टी, तो ये बन गया ए, सॉरी भाई अंडर रूट तो हटा ही दिया आपने पूरा यार, अंडर रूट नहीं हटना चाहिए, अंडर ऊपर से हटेगा क्योंकि वो स्क्वायर था, नीचे से नहीं हटेगा, यहाँ पे भी अंडर रूट, ठीक है। अब ये बन गया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है लॉग एक हम गलती ये कर रहे हैं, लॉग क्यों ले रहे हैं, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ओहो एक गलती हो गई, ये इरेज किया मैंने, हमने लिया फिर से पेन, ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बाय टू और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एक्स बाय ए, तो एक्स तो हमारा टी है और ए है हमारा वन, तो टी बाय वन, ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस, तो आपको पता है जैसे ही मैं वन माइनस टी स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ, वन माइनस टी स्क्वायर को मैं बोल देता हूँ पी, तो जैसे ही मैं वन माइनस टी स्क्वायर को पी बोलता हूँ तो मेरा माइनस टू ये हो गया माइनस टू, ये हो गया डी टी बाई डी पी, ये मेरा बन जाएगा वन, तो मैं टू डी टी को सॉरी भाई पी स्क्वायर बोलना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ये रूट के अंदर पी स्क्वायर, तो ये मेरा बन जाएगा
टूपी बन जा रही, रुक जाओ यार फिर पड़ोगी, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, आ जाओ पूरा इरेज कर लेंगे, पूरा इरेज इसलिए कर लेंगे अच्छे से दिखाएंगे भाई, जरूरी चीज है क्योंकि देखो ये सब चीजें ऐसी है कि अगर थोड़ी भी गलती करोगे तो दिक्कत आएगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वन माइनस पी स्क्वायर को बोल रहा हूँ पी स्क्वायर, तो जैसे ही मैं इसको पी स्क्वायर बोल रहा हूँ तो मेरा बन रहा है माइनस टू डी टी टू टी, फिर बनेगा डी टी बाई डी पी, ये मेरा बन जाएगा भाई टू पी टू पी, तो फाइनली मेरा भाई ये टू और ये टू कट जाएगा, तो मेरा टी डी टी, टी डी टी को मैं क्या बोल सकता हूँ, टी डी टी को मैं बोल सकता हूँ माइनस का पी डी पी, पी डी पी, तो ये टी डी टी ऊपर दिख रहा है, ये टी डी टी ऊपर दिख रहा है, मैं इसको पी डी पी लिख दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी पी, तो ये हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी डी पी, पी डी पी, और साथ ही में आपका आएगा भाई अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर को आपने क्या बोला पी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पी, ठीक है। अब ये पी और ये पी आप काट दोगे, ठीक है, ये पी और ये पी आप काट दोगे, अब बचेगा भाई ए स्क्वायर बाय टू, और बनेगा भाई साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ टी, साइन इनवर्स ऑफ टी, और साथ ही में प्लस का ये टी, इसका क्या हो जाएगा पी, और पी आपको क्या माना है आपने, पी को आपने वो लिख दो भाई, यह आ जाएगा फाइनली ए स्क्वायर बाय टू, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, टी को क्या माना था भाई, टी किस चीज को माने हो, ठीक है, तो आपको पता है टी को आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो लिख दो भाई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपका बन गया प्लस पी, आपने क्या माना है पी, आपने माना है वन माइनस टी स्क्वायर को, पी आपने माना है वन माइनस टी स्क्वायर को, टी को क्या माना है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, ओहो टी स्क्वायर, तो ये इसका भी पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का टी। अब यहाँ पे आपका सवाल खत्म हुआ, ठीक है, बेसिक सवाल था, और हमने एक सवाल पीछे भी ना, यहाँ देखो ये अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि गलती हो गई थी, यहाँ देखो यहाँ हमने क्या गलती की वो बताता हूँ, ये पूरा काटो, ये जब हम इरेज कर रहे हैं आपको होता है ये ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है, इसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय होता है, हमने लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, आ जाओ ये हो गया इरेज पूरा, इरेज करने में बड़ा समय लगता है ना, आ जाओ अब देखो इसको मैं ना येल्लो से लिख दूंगा जिससे हमको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे गलती की थी, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये ए तो ऐसे ही रहेगा, और वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो ये बन जाएगा एक्स और ए तो ए ही है हमारा, ठीक है, ये प्लस और ये साथ ही में ऐसे चलता आएगा ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है, और एक बार और लिखना पड़ेगा ए टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का सी। अब हमने सब सही कर लिया है, अब हमको नहीं लगता कोई गड़बड़ हुई है, यहाँ पे भी हमने ठीक कर लिया सब चीज, और कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट स्टेप, अच्छे अच्छे सवाल है भाई, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, तो जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो ना भाई, एक चीज याद रखना, लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ अगर आपको नया चीज सीखना है, कोई आपको लगता है ये टॉपिक अभी सीखना है।